हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैंने इंस्टाग्राम का वायरल फेस पैक बना के ट्राई किया है, जो बिल्कुल अलग तरह से बनाया है, जिसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आपकी स्किन का कलर 1 से 2 शेड तक फेयर होगा, आपकी स्किन इंस्टेंटली ग्लोइंग करेगी, आपके फेस से पिंपल्स एक्ने को भी रिमूव करेगा, साथ ही साथ आपके फेस से डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन भी दूर होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो यहाँ मैंने लिया है चिया सीड्स, यह आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी या फिर आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। 2 चम्मच आपको लेना होगा चिया सीड्स। इसको मैंने रात भर रोज़ वाटर में गुलाब जल में भिगो कर रख दिया था, तो ये फूल कर ऐसे हो गए हैं। तो अब इसे एक मिक्सर जार में डालकर इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे रॉ मिल्क, कच्चा दूध 1 से 2 चम्मच, फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हनी, शहद, लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन जूस, नींबू का रस। तो बस अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ब्लेंड होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। चिया सीड्स में फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पिंपल्स और उनके निशान को कम कर सकते हैं, एजिंग साइन को रोकते हैं। और मैंने इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सभी आपकी स्किन को फेयर एंड ग्लोइंग बनाते हैं। तो इसे आप लगाकर 20 से 25 मिनट तक छोड़ दीजिए, ये आपके फेस पे आसानी से लग जाएगा। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने इसे एक स्पैचुला की हेल्प से इसे निकाला है, तो ये बहुत ही ईजिली आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो गर्ल्स, एक बार आप इस फेस पैक को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये फेस पैक कैसा लगा, न्यू तरीके से मैंने इसे बनाया है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फेस पैक कैसा लगा। और आप देख सकते हैं खुद रिज़ल्ट इसका, 1 से 2 शेड तक ये स्किन टोन कितनी फेयर हो गई है, आप खुद लाइव देख सकते हो। बहुत ही इफ़ेक्टिव फेस पैक है ये, तो आप ज़रूर एक बार अपने घर पे ट्राई करिएगा। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।